हेलो फ्रेंड्स, मुकेश सिंह इनटू सीएनजी बिजनेस फॉर लास्ट 24 इयर्स, लोकेटेड इन वेस्ट दिल्ली इन पश्चिम बिहार एंड स्वर्ण पार्क एंड वी आर गवर्नमेंट ऑथराइज। दोस्तों, आज जो होंडा सिटी है, देखो होंडा सिटी सब लगाते हैं, मैं भी लगाता हूँ, दुनिया लगाती है, लेकिन इसके अंदर जो है मैंने 10 चीज़ एक्स्ट्रा लगाया जो डब्बे में नहीं आता है। मैक्सिमम लोग आपको बॉक्स लगाएंगे, सिलेंडर लगाएंगे, एक एंगल स्टैंड लगाएंगे, लेकिन इसके अंदर मैं 10 चीज़ एक्स्ट्रा लगाया हूँ आउट ऑफ द बॉक्स। वो 10 चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो, अब पहले मैं फिटिंग देखो, आप एक एक चीज़ आपको लगेगा जैसे होंडा खुद लगा के दी है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मेरा मेन ध्यान है सेफ्टी का, प्राइम कंसर्न है जो इस पर मैंने पूरा ध्यान दे रखा है, और गाड़ी की परफॉर्मेंस, ये दो चीज़ का ध्यान रख के मैंने CNG किट लगाई है। अब इसके अंदर देखो, ये बॉक्स के अंदर ही आता है, ECM है, फिलिंग वाल्व है, इंजेक्टर है, और ये रिड्यूसर है। ये चार चीज़ आते हैं, ये मैप सेंसर भी आता है, अंदर एक स्विच लगा होता है, ये चार पांच चीज़ें बॉक्स के अंदर आता है। अब आउट ऑफ द बॉक्स मैंने क्या क्या चीज़ लगाया मैं दिखा रहा हूँ। देखो, इसके अंदर मैंने ईजियर वाल्व लगाया, ये जो आपको एल्युमिनियम का डिवाइस दिख रहा है ये ईजियर वाल्व है। ये बेसिकली होंडा सिटी कोई भी 2013 मॉडल के बाद उसके अंदर लगता है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो गाड़ी झटके लेगी। नंबर टू, इसके अंदर जो है मैंने एडवांसर लगाया। देखो, बहुत मैक्सिमम ये है कि 1500 cc है, एडवांसर की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। एडवांसर लगने के बाद गाड़ी का पता लगता है, गाड़ी बिल्कुल पेट्रोल जैसे, बिल्कुल पेट्रोल, पता नहीं लगेगा CNG है पेट्रोल है। अभी इसको फिट करना है, इसकी अभी सेटिंग की है, अभी फिट करेंगे। नंबर थ्री, इसके अंदर हमने CNG फिल्टर लगाया। वाई CNG फिल्टर? बिकॉज इट क्लियर्स ऑल द इम्प्योरिटीज़ विच आर कमिंग अलॉन्ग विद द गैस। जो भी इम्प्योरिटीज़ है यहाँ फिल्टर होके जाएगा तो इंजन की लाइफ बढ़ेगी। नंबर फोर, इसके अंदर मैंने कोई वायर कट नहीं किया, सारा कपलर टू कपलर किया। ये देखो, ये जो पुराना कपलर है, पुराना जो कपलर है, ये गाड़ी का है और नया कपलर हमारा है, दिखाना। नंबर फाइव, इसके अंदर जो है ये ECM से, ये देखो, ये जितने भी वायर्स जा रहे हैं ये सारा ट्रिपल लेयर स्लीविंग में जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ दिखा, ये सारा ट्रिपल लेयर स्लीविंग में जा रहा है, जिससे क्या है कि गाड़ी के हीट से दो तार आपस में चिपके नहीं, शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो, मतलब सारे ट्रिपल लेयर स्लीविंग। नंबर सिक्स, इसके अंदर हमने कूलेंट कनेक्शन किया, खासकर सर्दियों में किट ठंडी हो जाती है, गैस जम जाता है, वो जमेगी नहीं, मतलब एक एक चीज़ का पूरा ध्यान रख के इसको फिटिंग किया हुआ है, ज़बरदस्त फिटिंग है। नंबर सेवन, इसके गाड़ी के अंदर मैंने रिले लगाया, AV का रिले है, फ्यूल करेक्शन रिले बोलते हैं उसको, वो इसलिए लगाया कि मेनली होंडा के अंदर आप गाड़ी चलाओगे CNG पे और इसका फ्यूल कम दिखाता जाएगा, तो उसके लिए हमने रिले लगाया ताकि जब भी आप गाड़ी पेट्रोल पे करेंगे आपको एग्जैक्ट पेट्रोल पता लगेगा। हल्का सा दिखा दे, दिस इज़ द रिले विच वी हैव इंस्टॉल्ड। किसी वीडियो में आप इसका सारा डिस्क्रिप्शन मैंने, दिस इज़ होंडा IVTEC। इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने 14 kg का सिलेंडर लगाया, पाइप का स्टैंड लगाया, वाई पाइप स्टैंड, बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रेंथ। जितनी भी कंपनी फिरेट आप स्टैंड देखेंगे, जो सिलेंडर को जितनी भी कंपनी फिरेट है, सारे पाइप का स्टैंड मिलेगा, प्रॉपर फिट है। इसके अंदर जो नट बोल्ट है TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है, वो इसलिए है कि एक बार फिक्स हो जाता है, ये लूज़ नहीं होता। नॉर्मल नट बोल्ट लूज़ होने से ये हिलने लगेगा और बॉडी क्रैक हो जाएगा, इस केस में नहीं होगा। डक्टिंग किया, कभी एक्सेस गैस आने से गैस बाहर निकल जाएगी, गाड़ी के अंदर लीक नहीं होगी, प्रॉपर फिट है। वी टुक अटमोस्ट केयर ऑफ सेफ्टी एंड द मेन थिंग इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल विच वी हैव टेकन केयर, प्रॉपर फिट है। आई विल जस्ट टेक अ शॉर्ट रिव्यू फ्रॉम द कस्टमर। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपने तो आज जस्ट फिट कराया, अपने 4-5 घंटे लगे हैं। हाँ जी, मतलब फिटिंग की क्वालिटी कैसी रही आपकी? फिटिंग की क्वालिटी बड़ी है, अच्छी है। मैं पहले भी आपका वीडियो देख के आया था तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और मैं इसलिए आपके पास आया था। अच्छा, गाड़ी आपने जो चलाया 1-2 किलोमीटर, वो कैसी चली? गाड़ी में 1% भी फ़र्क नहीं है पेट्रोल और CNG पे, मतलब कोई फील नहीं हुआ? कोई फील नहीं।
देखो एक्चुअली आई हैव टोल्ड हिम, लगाने के पहले मैंने इनको बताया था कि देखो डब्बे होते हैं, सिलेंडर होता है, एक एंगल स्टैंड होता है जो मैक्सिमम लोग लगाते हैं, मैं इसके अंदर 10 चीज़ एक्स्ट्रा लगाऊंगा। वो चीज़ मैंने इनको पेपर पे लिख के दिया, अभी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया वो 10 चीज़ क्या है जो हम डब्बे से अलावा हम इसके अंदर लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि गाड़ी की सेफ्टी रहे, गाड़ी के अंदर जो परफॉर्मेंस, देखो ये जैसे ईजियर वाल्व है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होता है कि आपकी गाड़ी झटके लेगी छोटी छोटी, लोग प्लग खोलेंगे, वायर देखेंगे, कॉइल देखेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ईजियर वाल्व का है। अब जैसे क्या होता है, आप चार दिन गाड़ी चलाओ, आप कहोगे कि इसके अंदर यार पेट्रोल भी कम होते जा रहा है, तो बाद में लोग कहते हैं इसके अंदर रिले लगेगा। रिले लगने से क्या है कि आपको एग्जैक्ट पेट्रोल पता लगेगा जब भी आप गाड़ी पेट्रोल पे करते हैं। तो हम जिस गाड़ी के अंदर जो सामान लगना चाहिए हम पहले दिन ही लगा देते हैं, हम इफ़ बट वो सब नहीं देखते हैं कि बाद में क्या है, नहीं है, जो है अभी है। तो वी हैव टेकन केयर सर, आई हैव गिवन एवरीथिंग, आप गाड़ी चलाएं एंड आफ्टर सेल सर्विस इज लाइफ टाइम फ्री, विल टेक केयर, थैंक यू।